आज शकुंतला ने राजा दुष्यंत भूप से गंधर्व विवाह कर और दोनों ने मेल मिला लिया। सजनों, कणव ऋषि के आश्रम पर रहते दुष्यंत भूप को काफी समय बीत जाता है और दोनों एक दूसरे से इतने प्रभावित हो गए, एक दूसरे से दोनों का इतना लगाव हो गया कि दूर होने का मन ही नहीं करता। समय बीत गया दोनों का, लेकिन प्रेम से बढ़कर के भी एक मान मर्यादा, एक राजकाज का सम्मान होता है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि हे शकुंतला, मैं हस्तिनापुर नरेश, मेरा नाम राजा दुष्यंत भूप है, अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए और एक काम करना, जब तुम्हारे पिता कणव ऋषि आ जाए तो मेरे पास में समाचार भिजवा देना, मैं फौज रिसाले और एक राजा साई ठाट बाट से तुम्हें विदा करा के ले जाऊं। कहती है कि हे प्राणनाथ, जब आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे हो तो मुझे कोई एक ऐसी निशानी देकर के जाइए जिसको मैं देख करके और अपना पतिव्रत धर्म निभा सकूं। सजनों, पतिव्रत धर्म को समझते हुए राजा दुष्यंत भूप ने अपनी अंगूठी में से एक स्वर्ण मुद्रा, एक अंगूठी निकाली जिस पर दुष्यंत नाम की मोहर लगी हुई थी। दुष्यंत राजा ने वो अंगूठी शकुंतला को समझा दी कि हे शकुंतला, जब भी मेरी याद आए तो इस अंगूठी को देख लेना। बोली, महाराज आप तो राजा हो, अगर आप मुझे जाकर के भूल गए तो, बोले अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो ये अंगूठी तू मुझे दिखा देना, मैं झट से तुझे याद। अब राजा वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, पर माया थी भगवान की, अब समय भी पलटा खा गया और शंकर का अवतार ऋषि दुर्वासा चल के आ गया, दुर्वासा चल के आ गया, जो देवन का तरसीख लोगो और कणव ऋषि के आश्रम पे जो मांगण लाग्या भीख लोगो। आवाज लगाता है जोर जोर से कि भिक्षा दे ही, लेकिन कोई भिक्षा देने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि कणव ऋषि यात्रा के लिए गए हुए थे और शकुंतला जो अंगूठी को देख रही थी बार बार, लेकिन कई देर जब हो गई तो ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया दुर्वासा ने, क्रोध आ गया दुर्वासा ने और पहचानी अपनी खाप और होनहार बलवान शकुंतला को देवन लगे श्राप। और क्या श्राप दे दिया था? फिर तू जिन ख्याला में खोरी से, तू जिन ख्याला में खोरी से, वो तेरा ख्याल नहीं होगा और तू जिस राजा ने याद करे अब वो तेरा महिपाल नहीं होगा, क्योंकि वो राजा है हस्तिनापुर का और वो तो धर्म कर्म में टूल जागा, और तू जिस राजा ने याद करे वो एक दिन तने भूल जागा। श्राप दे दिया। सजनों, रोने लगी शकुंतला की, हे पिताश्री आप भी मेरे पिता जैसे हो क्योंकि मैं भी ऋषि की संतान हूं। नुबला बेटी, प्राण बाण व्याख्यान एक बार निकले पाछे नहीं मुड़े,
एक बार जो कह दिया वो तो हो करके रहेगा, लेकिन भगवान के भजन करते रहिए वही नौका पार करेंगे। सजनों अब सात महा पूरे हो गए, अब दे गया गर्भ दिखाई, अब कणव ऋषि भी कर पूरी यात्रा, पकड़े आज आश्रम की राही। आश्रम की राही लेकर के और ऋषि आश्रम के ऊपर आ जाते हैं। पर जब हाल देखा व्यक्ति के तो झट आवण लग्या तिवारा, हेर मने बता दे मेरी सुता तन कहा करनी न्या मुँह काला। कहने लगी कि हे पिताश्री, मैंने कोई मुँह काला नहीं किया। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत भूप आपके दर्शन के लिए लालायित थे और मैंने जैसा आपने मुझे सिखाया उसी मान मर्यादा के तहत उनका सम्मान किया और उन्होंने मुझसे बियाबान में ही गंधर्व विवाह किया। और महाराज ये मेरे पेट में किसी का पाप नहीं पड़ रहा है, ये किसी की खाप पड़ रही है। कहने लगे हे बेटी, जब आपने ऋषि से मेल, आपने जब राजा से मेल मिला लिया तो आप एक काम करिए, मैं आपको आदेश देता हूँ, इजाजत देता हूँ कि आप हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर जाए। सजनों चल देती है नार शकुंतला अपने पति की अंगूठी को लेकर के, और पति के लिए इतनी दीवानी हो रही थी और इतनी लालायित हो रही थी, माया थी भगवान की थी बात। और वो चलती चलती आगी थी उस यमुना जी के घाट। क्योंकि आज भी देख लेना ये हस्तिनापुर जो दिल्ली है और जिसको गुरुग्राम कहते हैं गुड़गांव, जो जो यूपी की जो सीम लगती है ना, इसमें आज भी दिल्ली में यूपी के बीच में यमुना बहती है और वो पार करके और फिर दिल्ली जाती है। चल देती है अब कैसे पार करे यमुना ने कैसे पार करे यमुना ने क्योंकि बह यमुना जी का बहाव पर एक नौका लेके मांझी प्यार लेके खड़ा हुआ नाव। वो देख के शकुंतला ने झट चाल पास में आया और नू बोली अब नू बोला तू कहां जावे मने ना पता तुम्हारा। शकुंतला कहने लगी कि मैं राजा दुष्यंत भूप की रानी हूं और ऐसे ऐसे मैंने उनके साथ में गंधर्व विवाह किया है, आप मुझे लेकर के चलिए और मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगी। सजनों मांझी राजी हो जाता है, बिठा लिया और बैठ करके चल देती है। लेकिन क्या होता है, आगे तो चल देती है वो पागल थी साजन के प्यार में
वो पागल थी साजन के प्यार में, पागल थी साजन के प्यार में, और चली थी ना, चली थी ना, सी मिलेंगे पिया जिया नहीं लगे, कद सी मिलेंगे पिया जिया नहीं लगे, हो बैठा के घोड़े पे कद चलूंगी सगे, बैठा के घोड़े पे कद चलूंगी सगे, और कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ हर की माया फिरकी, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ हर की माया फिरकी, अंश था गर्भ में न्यू चक्कर में घिरकी, अंश था गर्भ में माया चक्कर में घिरकी, और पल्ले के अंगूठी बंधी, पल्ले के अंगूठी बंधी, अंगूठी को पल्ले के बांध लिया, पल्ले के अंगूठी बंधी करनी से डर की, पल्ले के अंगूठी बांधी करनी से डर की, पर होनहार बलवान वो गुठी खुल के जल में गिर गई, प्यार और
करती पल्ले के अंगूठी थी वो भी खुल गिर जल में गिर गई। और खुल के अंगूठी गिर गई उसने मछली खा गई। खुल के अंगूठी गिर गई उसने मछली खा गई। श्राप पूरा हो रहा था वो दुर्वासा बड़ भागी। श्राप पूरा हो रहा था वो दुर्वासा बड़ भागी। लंबा था रास्ता अब गौर से सुनिए। शकुंतला हस्तिनापुर में प्रवेश कर जाती है खुले हुए केस जिसके हाल बेहाल। खुले हुए केस जिसके हाल बेहाल। भरी हुई थी मांग देखो पतिव्रता की ढाल। सीसा जन मने मिले भाइयो हे मन में ख्याल। कद सीसा जन मने मिले भाइयो हे मन में ख्याल। अरे मेहर हुई गिरधर की अंकुर गान लग्या तत्काल। मेहर हुई अंकुर की गान लग्या तत्काल। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। आनंद आया पूर्णायु वह कोई एक जगह हो रही हो। रात में जो आनंद लिया है ना एक बहुत पुराना फिल्म का गाना आया था हुर राम तेरी गंगा मैली हो गई। पाप क्यों के पाप धोते धोते ओ आगी थी दरबार। जा दुष्यंत भूप बैठे हुए और जहां सभी बैठे थे न्याकार।
अब मन ही मन में सोचगी और करे तलाश सजन की और झट दरबारों में पहुंच। पहरेदारों ने रोक लिया कि ये तू कौन है, कहां से आई है। कहने लगी कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, एक बार राजा से मेरा दर्श दीदार होने दो, फिर मैं बताऊंगी मैं कौन हूं। पहरेदारों ने राजा के सामने पेश कर दिया, राजा से हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, हे महाराज कणव ऋषि की बेटी शकुंतला का प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार। हे तू कौन से हे शकुंतला, हे कौन से शकुंतला और कौन नगर से आई और क्यों आई मेरे पास खास, मन बता दे सच्चाई। बोली महाराज आप मुझे नहीं जानते, मैं वही कणव ऋषि की बेटी शकुंतला हूँ जिसके सामने जिसके साथ में आपने काफी समय व्यतीत किया और बियाबान में आपने मेरे साथ में गंधर्व विवाह किया। राजा बोला विवाह किया तो तेरी हट जात है जातानी, एक शर्त है मैं बना लूं तन हस्तनापुर की महारानी, प्रसादी के वक्त कुछ तो तने दी होगी खास निशानी। नुबली महाराज में लाई होना निशानी, जब हाथ मारा जब हाथ मारा पल्ले पे तो जंग झोवन लागगी और जब अंगूठी आई ना हाथ में तो वो रोवन लागगी। नुवली महाराज वो अंगूठी तो गिर गई लेकिन उससे भी बड़ी निशानी है मेरे पास में, क्या जो ये मेरे गर्भ है ना, ये किसी और का नहीं ये आप ही का है। जब गर्भ का नाम लिया ना राजा क्रोधित होकर के तलवार उठा लेते हैं हाथों में। हे दुष्टा हे बदचलन इल्जाम लगाती है मैं हस्तनापुर का राजा हूँ, कोई कड़ी का गिरता पड़ता कोई भिखारी नहीं हूँ, कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं हस्तनापुर का राजा हूँ और बियाबान में जाऊंगा और तेरे से मेल मिलाऊंगा और तेरा अंश मेरा अंश मैं तुझे देकर के आऊंगा। हे महाराज आप विश्वास तो करिए मैं आपकी वही शकुंतला हूँ जो आपको बियाबान में मिली थी। नुबला चली जा मेरे दरबार से और मेरी आंखों के सामने से, तो वो शकुंतला क्या कहती है रो रो करके सुनिए। हर हर गंगे
हे साजन करे बाता बहुत पुरानी हो याद दिलाऊं हे साजन करे बाता बहुत पुरानी हो करके अब का साझा बन राजा जन्म से ही दुखी हूं पहले मुख मत्ता छोड़ी पहले रुख मत्ता छोड़ी फिर पिता भी मुंह मोड़े रंग में हो
धक्के मार दिए, बाहर आ जाती है नगर से। ओ धक्के दे दिए सज्जन ने, हुई नगर से बाहर। धक्के दे दिए सज्जन ने, हुई नगर से बाहर। फिर दोबारा वही आगी सजनो। धक्के मार दिए राजा ने, यहां संगीत प्रेमी बैठे हैं, गाना भी वक्त के अनुसार होना चाहिए। यमुना किनारे आकर के बैठ गई और एक ही एक बात सामने आ रही है। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। ओ क्यों ठुकराई प्याज ना बताई, साजन बताया नहीं, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो मुझे ठुकरा रही है। हो क्यों ठुकराई प्याज ना बताई, नड़ती के भाई समझ ना
नहीं है। गाँव में काफी कुछ खास नहीं है। ओ तेरी दुहाई पिया, तेरी दुहाई पिया क्यों सताई तन का पूरे तन का नाश संग राजा के बांटा था। तन का नाश संग राजा के बांटा था और न्यारा बांटा था। तो पिता थूकेगा और जग थूकेगा। बाप धोरे जाऊं कोन्या, बाप बनाया। बाप धोरे जाऊं कोन्या, बाप बनाया। और गिरती पड़ती का चेहरा मुरझाया। गिरती पड़ती का चेहरा कश्यप ऋषि जो भक्ति करे भगवान की। कश्यप ऋषि जो भक्ति करे भगवान की। रानी ने राही पकड़ी जंगल बियाबान की। रानी ने राही पकड़ी जंगल बियाबान की। राही ने पकड़ी वो जंगल बियाबान। आ
बोलिए भगत और भगवान की जय हो। अब मुंह मोड़ क्या था राजा, मुंह मोड़ क्या था सजने, अब कोई जगह नजर ना आई। अब श्यान पिता ने कैसे दिखलाऊं ये भारी कुबद, कश्यप ऋषि जहां करे तपस्या, कश्यप ऋषि जहां करे तपस्या वहां चल के शकुंतला आई। और देख ऋषि की कोड़ी भर ली, वो बहुत घनी दुख पाए। हे बेटी कौन नगर घर गाम तेरा, और क्यों आई मेरे पास खास, यो पड़ा कौन सा काम। शकुंतला कहती है आप तो अंतर्यामी हैं और मैं अपने मुखारविंद से आपको पहले ही पिता कह चुकी हूं। मेरे पिता ऋषि विश्वामित्र, मेरी माता हूर मेनका और कणव ऋषि ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। सारी व्यथा बता दी और जब गर्भ की ओर देखते हैं तो ऋषि लाचार हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बेटी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान का भजन करता हूं और यहाँ बियाबान में रहना तेरा ठीक नहीं है, आप अपने पिता के आश्रम पर चली जाओ। लेकिन कह दिया शकुंतला ने कि नहीं पिताश्री, जब तक मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा, जब तक मैं मेरे पिता के पास में अब ऋषि कश्यप ने इजाजत दे दी कि हे बेटी तुम यहां रहो। सजनों आसपास में अनेकों गृहस्थी तपस्वियों के भी आश्रम थे, सभी में घुल मिल करके और वो अपना समय व्यतीत करने लगे। हाँ भाई, समय बितावे शकुंतला पर धीरे धीरे किस्मत पलटा खागे। एक मछुआरे ने जाल फेंक दिया तो वो ही मछली फंस के, मछली फंस के आई घर जाकर के मछुआरा उसका चीर फाड़ करता है। चीर फाड़ कर मछली तो ये बात नहीं से झूठी, उस मछली के पेट से निकली एक अंगूठी, एक अंगूठी जिस पे था दुष्यंत भूप का नाम। वो कोई धर्म पुरुष था मछुआरा,
जो जान गया था भेद तमाम, जाना था भेद तमाम, और चल दरबारों में आया बोला दुष्यंत भूप में तेरी अमानत लाया, तेरी अमानत लाया, ये कोई है सज्जन की सही निशानी। जब हाथ लगाया राजा ने वो आगी याद बात पुरानी, अब रोवे था सिर मार बता मेरी कहां शकुंतला रानी, पर वो भूल गया था राही, ओ एक बहुत जोरदार बात मेरी याद आ रही है, सुनिए।
पर कोई बात नहीं। अगर मैं जती हूं और अगर वो सती है तो हमारे मेल के होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन मेल अवश्य होगा, एक दिन मेल अवश्य होगा, मन में धर लिया ध्यान। एक दिन, अब आगे की कथा सुनना इसी में। एक दिन दर्शन की खतर साले थे पलवान, दुष्यंत ने बुलावन खतर राजी इंद्र भगवान। इंद्र ने भेजा था लोगो राजा लिए विमान, और इंद्र ने भेजा था लोगो राजा खातर विमान। बैठ के विमान में अब इंद्रपुरी में आया, और देख के नजारा प्यारा मन ही मन मुस्काया। के कर ले के कर ले समय वो समय पुरानी गई सुहानी, समय पुरानी गई सुहानी, दुख पावे थी काया। अब आगे आगे के होगा कुछ नहीं समझ में, आगे आगे के होगा कुछ नहीं समझ में आया, आगे आगे के होगा अब नहीं समझ में आया। कुछ कर्म गति कुछ किस्मत खेल खिलावेगी, और जति सती की गाथा बाता ऊंची होती जावेगी। अब 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने पूरे हो गए, ये घड़ी खुशी की आवेगी। आज शकुंतला देख लो और बेटे ने जन्म, आकर के सब आसपास से सब ने मता उपाया। 9 महीने के बाद समय आज खुशी का आया, दुखियारी का अंश हुआ ये परमेश्वर की माया। और होनहार टलती कोन्या रानी ने बेटा जाया, होनहार टलती कोन्या रानी ने बेटा ऋषि से कहने लगी शकुंतला की, हे पिताश्री, इसका बाप भी मुझे छोड़ करके चला गया, मुंह मोड़ के चला गया, आप एक ऐसा कोई इंतजाम कर दो जो मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं हो। तो बोले, हे बेटी, ये तेरा बेटा कभी तुझसे दूर नहीं होगा, और मैं एक मंत्र शक्ति से एक डोरा तैयार करता हूं। ताबीज बना दिया, एक ताबीज बना दिया कि हे शकुंतला, तेरे बेटे की भुजा के बांध दे। और अगर कोई गैर मर्द इस बच्चे के हाथ लगा देगा तो ये ताबीज ये डोरा सर्प बनकर के उसे खत्म कर देगा। और जिस दिन इसका बाप मिलेगा ना, उस दिन ये डोरा ऐसे का ऐसा बना रहेगा, टूट भी पड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? ये ऐसा वीर महान होगा, ऐसा वीर महान बने जने जाने जगत तमाम। कर देगा ऊंचा पिता का देखिए घर का।
मशहूर हो, ये दूर दूर मशहूर रहे, ये दूर दूर मशहूर रहे, और ऐसा करे इंतजाम इसी के नाम से सब जानेंगे सरेआम। ये सब शक्ति का नाश करे, सब शक्ति का नाश करे, सर्वदमन बताया नाम, सब शक्ति का नाश करे, सर्वदमन बताया नाम। श्री वेद व्यास ने, श्री वेद व्यास ने गाया माया विमान में वापस आवन लाग्या राजा, बैठ के विमान में वापस आवन लाग्या राजा। सजनों मन में एक संकल्प होता है कि मैं कश्यप ऋषि के दर्शन करता चलूं, क्यों नहीं, तो जो किमी मिले, जो कुटी पे तो मिले। अब बैठ के विमान में वो राजा आवन लाग्या, दर्शन कर लूं कश्यप ऋषि के, दर्शन कर लूं कश्यप ऋषि के, ये भाव सुहावन लाग्या। और लेकर के विमान राजा लोक में आवन लाग्या। अब देखे आके, अब देखे आके निगाह टिका के तो चक्कर खावन लाग्या, देखे आके निगाह टिका के चक्कर खावन लाग्या, देखे आके निगाह टिका के चक्कर खावन लाग्या। और छोटा सा एक लड़का खेले हो, छोटा सा एक लड़का खेल रहा था शेर से, वो छोरो अहिया को छोटो सोक, जो बालक मोटो ना हो जाए, बालक पड़मुई अरवा कींडा गांडा ने ठार फेंक दे। तो भाई वो तो अंशी ऐसा था, शेरों से वो लड़का खेल रहा था और शेरों को पछाड़ रहा था। राजा के मन में भाव आया, इससे मेरा कोई नाता तो नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चा है, बाल रूप भगवान का होता है, मैं इससे बातें करके मन तो बहला लूं। अब दुष्यंत भूप लड़के को गोदी में उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गोदी की लालसा की और जब आगे ऋषि बढ़ने लगा तो इधर से एक आवाज आती है, क्या सुनिए। इस लड़के के दोहरे आवे तो हो जा बड़ा बबाल, ये साधारण लड़का कोना, ये साधारण लड़का कोना, ये भारी जंजाल। शेरों से खेलने जिसकी उम्र 5 साल, इसके दोहरे आइए मत ना राजा, न बैठा से तेरा काल, ये दुखियारी का बेटा से तू हाथ लगावे वतना, पहले गणी सताई वीर अब गणी सतावे वतना, तू बिन आई मैं मारा जा तेरी जान खपावे वतना। और तेरा हो जा राजा ना सो,
पास आवे पर देर करी ना राजा ने, देर करी ना राजा ने ये ही मता बनाया। लड़के के धोरे आकर के और झट बोती में खाया, लड़के के धोरे आकर के झट बोती में खाया। और अब माया थी परमेश्वर की जो ईशा दिवाला कर गया, क्योंकि और आपस की खेचा ताड़ी कहे आके राम जी गिर गया। सब उठाया था लड़के ने ताबीज टूट के गिर गया। और राजा भी राजा की हुई सफल कमाई वो बहुत सागर तह गिर गया। राजा की हुई सफल कमाई बहुत सागर से गिर गया। अब जब डोरा टूटा ना सबकी आंख फटी रहेगी। और जाकर के शकुंतला को कहते हैं, ये शकुंतला आ तू जिसका कर रही इंतजार वो करने आज विलाप आ गया। जो बोले शेर की तरिया अब होकर के चुपचाप आ गया। जो कर रहा जो धड़े था शेर की तरिया वो करके चुपचाप आ गया। तू जल्दी चल के आ जा हे ये इस लड़के का बाप आ गया। जल्दी चल के आ जा हे इस लड़के का बाप आ गया। जल्दी चल के आ जा हे इस लड़के का बाप आ गया। आई आई आज शकुंतला अब आज चल के आई शकुंतला हटकी खेचा ताणी। और देख देख के नार ने राजा के वो आगी याद पुरानी। और हम दोनों की चोट मिली वो आगी याद निशानी। हाथ जोड़ के कह रहा सुहे मैं राजा तू रोवण लागी शकुंतला कुछ होश तो संभालिए। क्यों रोवे तू पिया बान में हस्तनापुर में चालिए। वहां रंग महल चहल पहल कुछ तो होश संभालिए। कह रहा सुतन बार बार तू मेरी गलिया चालिए। लेकिन मना कर दिया कश्यप ऋषि ने कि नहीं वापस जाओ हस्तनापुर में और एक राजा शाही ठाट बाट से विदा करके ले जाओ। अब ले गए घोड़ा राजा दौड़ा हस्तनापुर में आया है। राजा शाही ठाट से वो फिर दोबारा आया है। डोली में बिठा कर शकुंतला ने हस्तनापुर में लाया है। और बेटे ने घोड़े पहले के चाल नगर में आया है। एक नाम उस लड़के का सर्वदमन बतलाया है। पर हस्तनापुर में आए पाछे पंडित को बुलवाया है। और लगन मुहूर्त नक्षत्र से बेटे का नाम धराया है। पांच साल का खेले शेर से ये बड़ी विचित्र माया है। इसका जैसा बेटा के कोई और किसी ने साया है। ये तेरे घर में पैदा हो गया ये परमेश्वर की माया है। नाम भरत है इस लड़के का पंडित ने बताया है। और उसी भरत के ऊपर ये हमारा भारत देश कहाया है। उसी भरत के ऊपर ये हमारा भारत देश कहाया है। उसी भरत के ऊपर
पर्दा सत्संग में लावेंगे ये कलाकार उसी यार प्यार से पूरे चार बजावेंगे ये दान में अभ्यास 50 रुपए फिर से भिजवावेंगे और बने रहो कलदार प्यार यूं ही दर्शावेंगे करना फिजूल भूल फूल जो खिलावेंगे और ये मेल मुला जहा साजा बाजा इस तरह बुलावेंगे और भैंस लाना जाना पहचाना सबका मान बढ़ावेंगे कदे दाना पानी बना रहा तो फिर दोबारा आवेंगे दाना पानी बना रहा तो फिर दोबारा आवेंगे और मैंने मेरी बात जहां से शुरू करी थी मैं वहीं खत्म करूंगा हम सब ने शीश नवावेंगे सब ने शीश नवावेंगे सब ने शीश इस खानदान में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोलिए बस्ती माता की जय हो।